दर्शकों नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। सुस्ती इकोनॉमी से निपटने को एक्शन में आई मोदी सरकार। सरकार ने इसके लिए एक टास्क फोर्स समिति का गठन कर दिया है। यह टास्क फोर्स समिति भारत में अगले 5 सालों में $1.4 ट्रिलियन के निवेश को बढ़ाने के लिए रोड मैप तैयार करेगी। चंद्रयान 2 को लेकर आई बड़ी गुड न्यूज। इसरो चीफ के सिवन ने कहा कि ऑर्बिटर की लाइफ मात्र 1 साल के लिए तय की गई थी, लेकिन ऑर्बिटर में मौजूद अंतरिक्ष ईंधन की वजह से अब इसकी उम्र 7 साल तक लगाई जा रही है। नासा से लेकर दुनिया के कई देशों ने इसरो को सराहा। दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी नासा ने तो भविष्य में साथ मिलकर काम करने तक की इच्छा जताई है। ऐसे ही कुछ अमीरात की अंतरिक्ष एजेंसी ने भी कहा है। कक्षा 6वीं के पेपर में दलितों के अछूत होने संबंध प्रश्न को लेकर विवाद। कक्षा 6वीं की परीक्षा में दलितों के अछूत होने संबंध एक प्रश्न को लेकर तमिलनाडु में विवाद खड़ा हो गया है। यह प्रश्न पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। इसे केवीए स्कूल में से एक का बताया जा रहा है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।